हेलो गाइस गाइस, अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि होंडा आने वाले फेस्टिव सीजन से पहले अपनी मार्केट में दो गाड़ियों को उतारने वाला है। एक मिड साइज एसयूवी होगी और एक सेडान गाड़ी होगी, या होंडा सिटी का फेसलिफ्ट भी आप बोल सकते हो। तो भाई उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है अपने पास और ये जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब भाई होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो 2020 के अंदर होंडा ने होंडा सिटी को लॉन्च किया था और अभी तक उसका कोई फेसलिफ्ट वर्जन देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसी साल 2023 में फेस्टिव सीजन से पहले आपको होंडा सिटी का फेसलिफ्ट वर्जन देखने को मिलेगा। अब इस फेसलिफ्ट वर्जन में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे होंडा सिटी के अंदर। बाकी होंडा की तरफ से कहा जा रहा है कि इंटीरियर के अंदर जो डैशबोर्ड होगा उसमें कुछ खास ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो कॉस्मेटिक चेंजेस आपको काफी देखने को मिलेंगे। जगह जो ग्रिल है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, हेडलैम्प्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे क्योंकि फिफ्थ जनरेशन की हेडलैम्प्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो शायद होंडा को ये चीज पता थी और वो इस अपडेट में उसको सुधार देगा। वहीं अगर बैक की बात की जाए तो बैक में बम्पर में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा सा और स्पोर्टियर लुक इसके उसको देने की संभावना है। जैसे फोर्थ जनरेशन में उन्होंने कर्वी जो है ना स्पाइक वाला फ्रंट बम्पर लगा के दिया था, ऐसा ही कुछ इस वाली में भी हो सकता है, उसी से मिलता जुलता, जो कि काफी एनहेंस करेगा इसके फीचर्स को। उसके साथ ही साथ अगर इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो थोड़े बहुत इसमें सेफ्टी फीचर्स और बढ़ाए गए हैं, जैसे इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह के फीचर्स। और अगर इंटीरियर की बात की जाए तो होंडा की तरफ से बताया जा रहा है कि होंडा में मतलब होंडा सिटी के फेसलिफ्ट वर्जन में आपको इंटीरियर के अंदर वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर देखने को मिल सकते हैं और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब भाई देखना ये होगा कि होंडा क्या क्या इंटीरियर में चेंज करता है, क्योंकि काफी इंतजार है लोगों को फिफ्थ जनरेशन की होंडा सिटी का, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन कहीं ना कहीं एक ऐसी गाड़ी है होंडा की जो कि लोग पसंद करते हैं सिटी को, लेकिन फिफ्थ जनरेशन को ज्यादा पसंद नहीं करते। इसी वजह से फोर्थ जनरेशन को भी लोगों ने खरीदना कंटिन्यू कर रखा है। एग्जाम्पल मैं हूं, क्योंकि मेरे को फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में मजा जो है, ड्राइविंग जो प्लेजर जो मिला वो फोर्थ जनरेशन में मिला, इसी वजह से मैंने फोर्थ जनरेशन को परचेज किया फिफ्थ की बजाय। फिफ्थ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है जो कि एक प्लेजर नहीं देती है, या आप कुछ भी कह लीजिए, मतलब इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। बाकी अगर इंजन और ट्रांसमिशन की बात की जाए तो वही आपको 1.5 लीटर का आईवीटेक इंजन मिलेगा जो कि 121 बीएचपी की पावर जनरेट करके देगा आपको होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन के फेसलिफ्ट में। अगर इसी इंजन की फोर्थ जनरेशन बात करें तो 119 बीएचपी के करीब वो जनरेट करता है, तो 2-3 बीएचपी ज्यादा ही जनरेट करके देगा। और इसकी अगर बात करें तो भाई इसके अंदर आपको जो गेयरबॉक्स मिलेगा वो मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिलेगा। एंड मैनुअल गेयरबॉक्स की अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको जो मिलेगा 6 स्पीड का गेयरबॉक्स मिलेगा, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक सीवीटी गेयरबॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो भाई एक्सटीरियर में कुछ और चेंजेस की तो इसके अंदर आपको एलॉय व्हील्स भी एक अलग डिजाइन के देखने को मिल सकते हैं। और एक और एक बड़ा अपग्रेड इसके अंदर शायद हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं इस चीज के मामले में, बट ये है कि इसमें एक बड़ा अपडेट ये आ सकता है कि इसको फ्रंट और रियर दोनों आपको डिस्क ब्रेक मिल सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन ये चीज कंफर्म नहीं है अभी, तो आप इसको थोड़ा सा पोलाइटली लेना, हो सकता है आपको दोनों मिल जाएं। और भाई अगर EHEV की बात की जाए तो उसके अंदर भी सेम फेसलिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको जानकारी पसंद अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।